Alright, now let's do another example, example 3, and this we sketch y equals to x square minus 2. Now, this is a completely different example if, as compared to the other two that we have covered. Now, again, we will of y axis and x axis. And the procedure we will the nature. Nature, as you can see, the coefficient of x square is positive. So that means this curve right away is going to be a happy face. So that's settled. फिर हम निकालेंगे एक्स इंटसेप्स क्या निकालेंगे हम निकालेंगे समथिंग वी कॉल और एक्स इंटसेप्स और एक्स आर गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक टू जीरो सो एक्स स्क्वायर माइनस टू टूल टू जीरो का मतलब एक्स स्क्स टू टू सो एक्स इज एक टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ टू की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है वो होती है इट्स इट्स अराउंड वन पॉइंट फोर वन फोर ठीक है तो वन पॉइंट फोर वन पे हम इसको सेटल कर देते हैं इसका मतलब कि एक वैल्यू जो है वो यहाँ पे होगी पॉजिटिव और एक वैल्यू जो है वो यहाँ पे होगी नेगेटिव अच्छा अब अगर हम वाई इंटरसेप्ट निकालें तो वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे हम एक्स की जगह ज़ीरो कर देंगे सो वाई इज इक्वल टू जीरो स्क्वायर माइनस टू सो वाई इज इक्व टू

पॉइंट टू तो न्यूमरेटर तो हमारा जीरो हो जाएगा और जीरो पॉइंट टू क्या होगा जीरो होगा और इस जीरो को अगर हम वापस प्लग इन करेंगे तो फिर ये तो हमें वापस इस पॉइंट पे ले जाएगा कि अगर हम जैसे जीरो हमारा एच है एच हमारा जीरो है तो के क्या आ गया के हमारा माइनस टू आ जाएगा सो so इसका मतलब अ टर्निंग पॉइंट एंड इन दाइनसेप्ट और द सेम मतलब जहाँ पे वो टर्न करेगा बिल्कुल उसी पॉइंट पे वो वाइन सेप्ट को भी कट करेगा सो अ टर्निंग पॉइंट इज इक्वल टू जीरो Minus two. Now, plot karte Let me highlight the points that I have marked. So here's one, two, and three. Abam isko join with the help of a curve, a nice and smooth curve. So here we go. There you have it. Again, it throws a bit So let's fix that. There you go. So this is how we can sketch. Curve, जो कि आपको इस फॉर्म में दिया और सच दैट का कोऑफिशंट ना हो अच्छा वैसे आप एक चीज याद भी रख सकते हैं कि जब भी आपके पास एक्स का कोई भी को ना हो ना तो फिर आपका जो एक्स कॉर्डेंट ऑफ द ट्रेनिंग पॉइंट है एक्स कॉर्डेंट ऑफ द ट्रेनिंग पॉइंट वो हमेशा जीरो के बराबर होगा ठीक है ये कब होगा वैन द कोफिशंट वैन द को ऑफ एक्स इज ठीक है सो आई कवर्ड ऑल द पॉसिबल एग्जाम्पल्स ना इसके साथ जो मैंने वर्कशीट अटैच की है आप लोग उसको प्रैक्टिस करें ताकि फिर हम अगले कॉन्सेप्ट चलें